अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियाँ। दोस्तों, आपके घर में जो अलमारियां हैं जिनमें आपके कपड़े हैं, अगर वो एक्स्ट्रा हैं तो याद रखें कि वो बकरे का वो गोश्त है जो इस इंतज़ार में फ्रीज़र के अंदर कि आप किसी गरीब को वो दे दें। इसी तरह आपकी कैबिनेट के जूते हैं, इसी तरह दूसरी चीज़ें, जैसे आप बड़ी ईद पर अपना गोश्त गुरबा में तकसीम करते हैं, वैसे ये चीज़ें भी इंतज़ार कर रही हैं, इनको भी तकसीम कर दें। और तकसीम करने से ये चीज़ें ज़र्ब खाती। इसी पैगाम के साथ आइए शुरू करते हैं आज का शो। आपको मेरी और ARY की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद के मौके पर हमने शो में जो दावत दी है, सबसे पहले तो मेरे तीन दोस्त आए जिनसे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन मजाहिया शोरा में इनका शुमार है, जनाब जाहिद फखरी साहब, जनाब ताहिर शहीर साहब, डॉक्टर सईद सादी साहब। जिस शख्सियत को आज ख़ास तौर पे हमने बतौर मेहमान अपने शो में दावत दी है, उनका तारुफ कराने के लिए मैं बहुत देर तक अल्फाज का चुनाव करता रहा कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं हार गया। जब मैं हार गया तो मुझे अहमद फराज मरहूम के अल्फाज याद आए, बारहा मुझसे कहा दिल ने कि शोभदा गर, तू के अल्फाज से असनाम गरी करता है, कभी उस हुस्न दिलारा की भी तस्वीर बना जो तेरी सोच के खाकों में लहू भरता है। बारहा दिल ने यह आवाज़ सुनी और चाहा, मान लू मुझसे जो वजदान मेरा कहता है, लेकिन इस इज्ज से हारा मेरे फन का जादू, चांद को चांद से बढ़कर कोई क्या कहता है। दोस्तों, मेरे उस्ताद पंजाबी जबान के मोहसिन और पाकिस्तान के टॉप 10 एसेट्स के अगर नाम लिया जाए तो ये टॉप 10 एसेट्स में आते हैं। मेरे साथ तालियां बजाइएगा, हम इस्तकबाल करते हैं अनवर मसूद साहब का। बहुत बहुत ये हो जाए एंकर ना, उठ के ईद भी मांग लेना होता कारण। वालेकुम शुक्रिया। सर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत मेहरबानी। और मैं ARY के हवाले से सारे पाकिस्तानियों को इस ईद उल अज़हा पर मुबारक पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि दुनिया भर के मुसलमानों और सारे इंसानों के लिए ये ईद जो है खुशहाली और खुशी का बाइस। बहुत अच्छा। आमीन आमीन आमीन। एक दिलचस्प कथा याद आया था जी, वो मेरे दोस्तों ने भी नहीं कभी सुना। वाह। और वो बिल्कुल नया नवेला है जना। कितनी दिलदोज खबर आज नजर से गुजरी। वाह वाह। कितनी दिलदोज खबर आज नजर से गुजरी। एक अम्बोह का यूं बेकसो तन्हा होना। वाह। एक अम्बोह का यूं बेकसो तन्हा होना। रहलत एक मौलवी साहब की इलाही तौबा, एक दम चार खवातीन का बेबाह। ईद के मौके पे याद आया, इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा। वाह। इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस नेक अमल का मेरे मौला मुझे फल दे। वाह। यार अब मैं नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। सर, जिस तरह से आम जिंदगी के अल्फाज को इस्तेमाल करके उनकी बुनत बनाते हैं, क्या मैं ये समझता हूँ कि जो एहसान पंजाबी जबान पर सर ने किया है वो किसी और ने नहीं। बहुत बेशक। देखो, ये आपने जो मेरा खुशबूदार इस्तकबाल किया है, मैं इसके लिए बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। और ये बात जो आपने कही है, मैं समझता हूँ अनवर की कोई अपनी फजीलत नहीं, वल्लाह अल्लाह का एहसान है, फकीरों की दुआ है। मुझे कोई दावा नहीं है भाई, मैंने तो
बस इतना सा काम किया है, लोगों के होठों से बातें लेके उनके कानों को वापस करने की एक खाक साराना कोशिश की। क्या कहें, वाह वाह। सर, कहा ये जाता है कि आपने ये जो बनैन लिखी है, इसमें आपने ये कहना चाहा है कि जो हम मगरबी तहजीब को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं वो हम नहीं कर सकते अडॉप्ट। ये दुरुस्त बात है, ये मैंने कही है। मैंने कहा ये कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वाह वाह वाह, ये शायरी है। वाह, ये बनियान जो है ये वेस्टर्न कल्चर है, जी हाँ, जिसे हम एक जमाने से पहनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमें पूरा नहीं आ रहा, हमें सूट नहीं कर रहा। बहुत अच्छा। पिछले दिनों मैंने तो सुना कि मुझे कैसेट मिली एक हारून जी के, स्वीडन में एक हमारा सफीर जो था जी, वो वहाँ के एक स्वीडिश को बनैन का तर्जमा अंग्रेजी में करके सुना। आखिरी मिसरे का फिर भावे बच्चों का जंगिया बना लो, वो कहता देन यू कैन मेक द निकर ऑफ योर किड्स। अच्छा सर, ये बताइए फारसी में भी आपको बहुत अबूर हासिल है। फारसी मेरी तदरीसी और तहजीबी जुबान है। वाह। और याद रखिए, जब तक हम फारसी ना पढ़े हम इकबाल की तफहीम का हक अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त बात। और हमारे पता नहीं महकमा तालीम की क्या पॉलिसी है, यहाँ तो उर्दू के लाले पड़े हुए, उर्दू के लाले पड़े हुए, फारसी और फारसी आपका तराना जो है जी हाँ वो ज्यादातर फारसी है, बिल्कुल उसमें उर्दू का हिंदी का एक लफ्ज है का, और शुक्र करो इको बार ही आया, दो बार ही आंदा तो काका हो जाता। हारून साहब की फरमाइश है कि मैं आपको वो सुना दूं, अपना जेलम दा पुल, ये नज़म मैंने 3 साल में कही है और बसों का सफ़र किया है, और फिर जो बेचने वाले आते थे मसनूआत फरोश, मैं उनके नोट्स लेता रहा हूँ, और फिर वो नोट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और उनमें से नज़म निकाल ली। ऐसा लगता था जैसे एक संगे मरमर का पहाड़ है जिसमें से ताजमहल निकाल। सर, अगर आप मुझे इजाजत दें जी, उस नज़म में मैं आपका साथ दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, मैं इब्तिदा करूँ सर, मैं इंतहा करूंगा। हाँ जी फरमाइए। मेरे वालों सारे भैन भाइयों नूं सलाम होवे। वालेकुम सलाम। सर अता करे दूसरा मिसरा। मेरे वालों सारे भैन भाइयों नूं सलाम होवे, जातकां बुजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। लारी वाला जे कुछ देर खुलो। आहा क्या बात। सप्पा वाला बावा तुसां सुनिया ते होवे दा, बच्चा बच्चा जिस बाब नूं सिहणदा है सुरमा में बेचना, हाँ जग सारा जानदा है किधरे ना अज ये सुरमे दा जोड़ है 7 वीआं बूटियां दा। है जी 7 × 14 140 7 वीआं बूटियां दा रखते निचोड़े, इन्हें कही चश्मियां दा पानी पीता होया है, सौंफ ते गुलाब विच खरल कीता होया है, ते भावें किड्डी सुजी होई आई होई अख होवे, लालियां ते चोबां दी सताई होई अख होवे, धुंदो विच आला होवे भावें हुण कुकरे अखां अख विचों पानी वगे भावें अख रड़के, चंद भी चानण जे अखियां नहीं सहंदियां, उठदे आ बैंदे आ तराटां होण पैंदियां। माशाअल्लाह। पीड़ मुक जांदी है ते सोज लै जांदी है, इक्को ही सलाई नाल ठंड पै जांदी। मेरा ख्याल है 1.5 साल जेलम पुल ते तुसी भी कढ़िया है। ते 20 दिना 10 दिना 5 वाली बात है, लारी दे मुसाफरां नू खास ही रियात सर, कट के चलाने नहीं मैं कारखाने मोमनो, चार आने। मैं बल्कि नौजवान नस्ल से ये बात करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं ख़ास तौर पे, कि जो बड़े लोग होते हैं, जो असातज़ा होते हैं, या कोई भी इंसान आप कह लीजिए, वो एक डायरी की तरह होता है,
मैं पहले भी बारह गालिबन ये बात कह चुका हूँ कि इंसान एक डायरी की तरह होता है, एक शुरू के जो सफ़ात होते हैं उसमें बचगाना तहरीर होती है, मुख्तलिफ चीज़ें बनी होती हैं, कुछ समझ नहीं आती, कोई रब्त नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जब जवान होता है तो उसी डायरी के सफ़े जोश में, जवानी में और जज्बे में भर जाते हैं। जब तहरीर पुख्ता हो जाती है उसमें इल्म भी आ जाता है, लिखाई भी अच्छी हो जाती है, बेहतरीन अपनी उरूज को पहुंच जाती है, तो डायरी के सफ़े बहुत कम रह जाते हैं। तो हर इंसान एक डायरी की तरह है। आप ये करें कि अपने असातिज़ा को पढ़ें, वाह, उनसे मुलाकात करें, उनकी सोहबत का फैज़ उठाएं, और ये वो डायरियां हैं, अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो ये हो सकता है कि आपकी डायरी के मिड में ही आपकी जो तहरीर है वो उरूज को पहुंच जाए। सर, आपकी जो मौजूदगी है इससे ज़्यादा बरकत हमारे शो में नहीं हो सकती थी। आज मुझे लगता है कि हमारा शो जो है उसकी एपिटमी आ गई है कि आप तशरीफ लेकर आए हैं। एक मैसेज मेरी तरफ से, एक नसीहत की बात कहता हूँ। वाह जी, अपने दिल में ये डाल रखिएगा। वाह, सारे अपना ख्याल रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखिए। वाह 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 वाह, बहुत नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक में हमने एक मुशायरे का एहतमाम किया है। सबसे पहले तो इजाज़त लेते हैं अनवर मसूद साहब से कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम यहाँ पर अपना मुशायरा शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। आदाब। आदाब जी, आदाब। क्या कहने, क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छे, क्या कहने। अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो झंडियों की वाह कर रहा हूँ। देखो कितने फूल लगे हुए हैं, ARY का काफी खर्चा कराता था। जी जी, मेरा नाम है नीलो नील निहत्ती। वो आप पे गाना बना ना, मैं नील कराई नील के, मेरी बॉडी नीलो नील। सौदे कीते दिलों के, मेरा फिफड़ा ले गई चील। मुशायरे के आगाज में पहले मैं अपना कलाम पेश करूं। यार पिछले साल दा वाइब्रेट ते लगा। फिर आप लोग इनकी बदकलामी सुनिए। बड़ी मुश्किल से बकरे की है दी मैंने ये कुर्बानी। बड़ी मुश्किल से बकरे की है दी मैंने ये कुर्बानी, हालांकि इस दफा मकान का किराया नहीं दिया। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, जाहिर है। सब आई श्योर कि ये मुशायरा ही है। नहीं देखे, ये मिसरा तो बहुत अच्छा है। नहीं, उनका मिसरा तो अच्छा है, ये रिएक्शन क्या था? आपने देखा नहीं हमने पीछे लिखवा क्या रखा है? अखाड़ा। अखाड़ा है ये। दुआ इतनी है कुर्बानी मेरी, ना राय गा जाए। अरे अच्छी दुआ है, अच्छी दुआ है। मेरा बकरा लगा है बंद होने अब फ्रीजर में। खराब हो गया, ये काम खराब हो गया। बस अगले साल तक बिल्कुल जरा भी लाइट ना जाए। अल्लाह ने जान देनी, लाइट तो जाएगी। इस हुकूमत में तो नहीं हो सकता। इस हुकूमत में ये हो सकता है कि आप अपना बकरा जो मुर्दा खाना रखवा दे। हाँ, ठंडा रहेगा, क्योंकि 3 दिन भी रह गया है। भाई बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। क्या यहाँ से मुझे महसूस हुआ है शेर की आपको भी तमीज नहीं है। और भाई बहुत अच्छा शेर था, अच्छा था, वजन में था, पूरा रदीफ काफिया सब मिलता था, और सिचुएशनल था, और जजेस सामने बैठे। बिल्कुल। अब मैं दावते कलाम देती हूँ उम्मीद चलगोजा साहब को कि शम्माए महफिल के सामने आ जाए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, उसका छिलका उतरा हुआ। मैं कहना तुम धर्मपुरे आयो, शम्मा मैं नहीं आना। क्या कहने, आ गया 6,000 रुपए किलो। ओहो, ध्यान से ऐसे वजह ना नहीं सी जा रहे हो शमा। उन दूर पेंदा है। अच्छा आपको क्या हुआ चिलगोजा साहब? ए पिछले साल बहुत महंगा सी, किसी ने लत तोड़ती। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सारे नु मेरे लो बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। लो जी, अर्ज किया है जी,
तेरा किराया चार महीने का मकान खाली कर। सॉरी पर्ची दूजी निकल। आपका तो किराए होते घोंसले का क्या किराया? दिखी हमसाई तो फौरी मेरी पतीसियां निकली। दिखी हमसाई तो मेरी पतीसियां निकली। ये उधर खामद ने कटियां सर। पड़ी बेगम पे जब मेरी नजर तो रोना निकल आया। मेरे बकरे ने रखी आंख हमसाई की बकरी पर। मेरे बकरे ने रखी आंख हमसाई की बकरी पर। वाह वाह, मुझे हैरत है ये कैसे मेरे जैसा निकल आया। मुझे हैरत भाई चल हैरत। मुझे हैरत ये कैसे मेरे जैसा निकल आया। और मैं जा रहा हूँ। क्यों? मेरे थोड़ा सा जख्म निकल आया। जल्दी, अभी तो बहुत मजा आ रहा था। लेकिन उम्मीद चलगोजा साहब आपने बहुत कम पढ़ा। हर तीन चार मुशायरे अगे भी है ना। उथे भी नहीं पढ़ना। अब मैं शम्माए महफिल जजिस के सामने पेश करूंगी कि वो दो दो कलाम सुनाए। जी इस बकरा ईद पर कुछ बकराती किताब। मेरे हमसाए पे है अल्लाह की रहमत औज पर। उसकी बकरा ईद खुद बकरों को लेकर आई थी। वाह वाह वाह। ईद के तीनों दिन उसने शान से बकरे किए। उसकी बकरी तीन बकरों को भगा कर लाई थी। बकरों की बात हुई है तो दो तीन शेर बकरों के हवाले से मैं भी आपकी नजर कर दूं। जी प्लीज। कि यूं तो मंडी में बहुत देखे दुलारे बकरे। दुलारे इस्तेमाल किया बहुत देखे। यूं तो मंडी में बहुत देखे दुलारे बकरे, सिर्फ बीपी ही बढ़ाते रहे सारे बकरे। और एक मन वजन में 38 किलो पानी था, जिनको कहता था व्यापारी के हैं पारे बकरे। आपका जिक्र हुआ आपका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह डॉक्टर। काश मंडी में भी एक सजती सुखन की महफिल। काश मंडी में भी एक सजती सुखन की महफिल। दाद में कहता कोई ये हैं तुम्हारे बकरे। शाहिर बड़े शरीर। जी जना। जो खुद को मेम कहती है उसे कालू नहीं मिलता। जो खुद को मेम कहती है उसे कालू नहीं मिलता। वाह। अजब बोहरान है, खाला को भी खालू नहीं मिलता। तुझे ये गम के सालन में तुझे बोटी नहीं मिलती। वाह। मुझे भी देख शोरे में जिसे आलू नहीं। सर आपसे एक सवाल है। जी। वो ये कि अनवर मसूद जब बचपन में थे, वो जो एक छोटा बच्चा था जो अभी दुनिया को देख रहा था, खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, उस दौर के अनवर मसूद को अगर आज आप खत लिखें तो उसमें क्या लिख के भेजेंगे? मेरा तीन जबानों से ताल्लुक है, फारसी अंग्रेजी। या तो मैं उर्दू में लिखूंगा खत, बिल्कुल, या पंजाबी में लिखूंगा जी, या फारसी में लिखूंगा। ठीक। और फारसी में लिखूंगा तो फारसी का एक लफ्ज है बरगरीज, यानी पतझड़। उनके बगैर फसलें बहारा भी बरगरीज। उनके बगैर फसलें बहारा भी बरगरीज। वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। और मेरी समझ में आ गया सारा मुआमला। लड़की ने जब कहा किसी लड़के से बदतमीज। अब मैं दावत दूंगी गोरख भारवी साहब को। तालियां। उठ पे आ, उठ पे आ, उठ। बहुत शुक्रिया। अपना गोरा चौक के निकल गया है तो। बहुत शुक्रिया जी। अबे वाह। अब बिठाएगा कौन? बैठ जाए, आपकी तो बुलंदी भी ज्यादा नहीं। बैठ। अर्ज किया है। वाह करें जी। कर तरन्नुम के साथ अता करें जी। अता करें।
तरन्नम से तुम्हारा क्या ताल्लुक बताओ। आय हाय 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 की लिख बैठा की लिख बैठा भाई छट परे दियो। नहीं नहीं अता करे ना 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 छट परे दियो। चलें छोड़ देते हैं यार एक मिनट एडा ईमानदार नहीं हो इधर। हाय 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 भाई की लिख बैठा की लिख बैठा। यार जो तेन पता ही नहीं की लिख बैठा हम शहर च क्यों आया। अर्ज किया है वो कम कर जिड्डा तगड़ा है तू। प्लीज कुछ सुना दे मैं मुश्ताक हूँ। लो जी हुण मैं पहुंचा जी उस गल ते। किस बात पे? 8 घंटे मेकअप ते क्यों लगदे है? क्यों मुश्ताक जो इर्जा बनेगी। अर्ज किया है तरन्नुम के साथ। जी देखा जो बकरा तेरा चूजा भी मोटा लगा। देखा जो बकरा तेरा वाह चूजा भी मोटा लगा। बहुत अच्छे। गाय जो देखी तेरी हसाना मेरा रुका। ये पीछे जो टनन किया ये गलत किया। सोच के मैं तरन्नुम में दाद नहीं दे सकता। लेकिन आपने बहुत अच्छी जगह जाके छोड़ा। किसे छोड़ा? वो लाइन को। मैं एक दफा हाथ पकड़ लू ना मैं छोड़ता नहीं मुश्ताक। यार वो मुश्ताक का मतलब था कि वो शौक है उन्हें आपकी बात सुनने का। अच्छा 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 ये मुश्ताक है ये बेताब है। हाँ मुश्ताक और वो बेताब। वो अरे आपके सदके कुर्बान जाऊं। या इलाही ये माजरा क्या है? तुम हो मुश्ताक मैं बेताब। वाह 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 वाह। या इलाही ये बाजरा क्या है? बाजी बा बहुत अच्छा बहुत जी ये थे जी बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भाई बहुत बहुत शुक्रिया बहुत। अब मैं दावते कलाम दूंगी मक्खनपुरी साहब को। आ ते सुना जी मक्खनपुरी साहब अता करें। ए पहला मक्खन जी कौन सा जिहड़ा साइकिल दे चैन च दई दे। वो ग्रीस होती है। मैं कहना मोटरसाइकिल दा बैरक घूं घूं करे ना जी जी ते कहंदे आ थोड़ा मक्खन फड़ाए तो। साहिबे सदर दो कतात आपकी खिदमत में। लालची खुफिया अहलिया को सजा। मक्खनपुरी वाह गद्दी निकाल दे नीचे मेरा खैर कील है। लालची खुफिया अहलिया को सजा। वाह लालची खुफिया अहलिया को सजा करके उसको ब्लॉक दे दी है। करके उसको ब्लॉक यानी एक लालची खुफिया अहलिया है जिसको ब्लॉक करके सजा दे। मुकर्रर 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 लालची खुफिया अहलिया को सजा। बच्चियां दी सुना भाभी दी सुना सब करके उसको ब्लॉक दे दी है। बोली ईद में क्या मुझे दोगे। मक्खनपुरी वाह वाह। बोली ईद में क्या मुझे दोगे मैंने सीधी तलाक दे दी है। अच्छा अच्छा वैसे ये इरादा अच्छा नहीं सर मैं कुवारा वा ये सोच दी परवाज आ। ऐसे आपका तखय्युल ब्याया हुआ है। नाज़रीन मुशायरा चल रहा है मुशायरा चलता रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट भी आपको सुनने को मिलेगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन अनवर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुशायरा इस वक्त चल रहा है। आइए वापस मुशायरे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप भी तो इतना अच्छा लिखते हैं आप भी कुछ हटा के। भाई इतने बड़े बड़े साथजा बैठे हैं सामने मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी सुनाने। चले फिर मैं हिम्मत करती हूँ पहले मैं कुछ सुनाती हूँ। जी प्लीज। यार भाई अली जड़े ये अशार भी लिख के दंदे क्या साड़ियाँ करो लेके ले आया तू भाई बड़ी मेहनत से कुछ लिख कर लाई हूँ। बहुत खूब बहुत यहाँ से भी बड़ी मेहनत से लेके जाती हो। हाँ हलाल की कमाई है भाई मेहनत करके लेके जाते। जी तो अर्ज किया है। जी जी इरशाद जी जी। जिसे देखूं वही कुर्बान होने को यहाँ रेडी। जिसे देखूं
वही कुर्बान होने को यहाँ रेडी। बहुत अच्छे भाई, जड़ा आले दी दीपिका पाडिकोन, बहुत अच्छे। मुझे लगता था आशिक हैं ये सब बकरे निकल आए। सानू बकरे कहंदे यही तेरा डबटा खा गए। सेंस आप सबका हुक्म है तो अर्ज किया है कि नकाब उल्टा जो मंगेतर ने अपना, नकाब उल्टा जो मंगेतर ने अपना, यही दिल ने कहा देखा न जाए, हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, ये मंजर बारहा देखा न सर आपने जो सब्जियों पर लिखी आज की पकाइए, उसमें जितनी सब्जियों की आप तारीफ करते हैं हर एक को पढ़ के मुझे ये लगता है कि आपको ये खास तौर पे पसंद है, लेकिन जब आप उसकी बुराइयां लिखते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं। फिर अगली आप ये बताइए आपके दिल के करीब उनमें से कौन सी सब्जी है आज बता दें। मैं बता देता हूँ जी, मुझे करेले पसंद। सर खाली या कीमे वाले? सोने पे सुहागा। अच्छा सर ये बताएं, बेचो वे कीमा उते ताका होवे बलिया। वाह वाह, गंडियां टमाटरां दे नाल होवे तुन्निया, फिर होवे घर दे के हो विच पुन्निया, फिर कोई चौधरी जी औस्ता सवाद है पार भी पकाया थी तानू ही तो याद। वाह वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब सर भाई, क्या बात। शम्माए महफिल के सामने तशरीफ लाते हैं, सालम बालम अदराए कालम। क्या बात है, बालम मोरे घर आयो, बालम मोरे घर आयो, बालम मोरे घर माशाल्लाह। शाम 84 में से बहुत शायर हुए हैं। मुझे बहुत देर से बुलाया, अब तो मेरी टांगे भी सो गई। अगे ते जनाब सोच आप सुनदे सो। जी अता करें जी। एक काम करो दोस्तों, आप कर ला लंगड़ा तू। एक काम करो दोस्तों, मुझे ले चलो मेरे दोस्तों। चलो ले यार, पटा पटा ले। नहीं अजय, नहीं अजय, नहीं साध का बाद फुफी होनी है। एक काम करो दोस्तों, मुझे ले चलो मेरे दोस्तों, मेरे पैरों में डालो बेड़ियां, मुझे खींच लो मेरे दोस्तों। आओ जी, चलो भी चलो, आ जाओ यार। मैयत कड़ी स्टैम्प, मैयत कड़ी स्टैम्प, बुरा लगता बंदा वैसे। यार किधर ले चले यार, देखो तो सही। मैंने अब मैं दावते कलाम देती हूँ इश्फाक ठीपा साहब। पूरे मुल्क दा कल्ला ठीपा हुंदा एडा। अच्छा इश्फाक ठीपा, इश्फाक ठीप समझिए, इश्फाक पीपा। इजाजत है जनाब? जी जी इजाजत, अल्लाह हाफिज। ओ भाई नहीं नहीं, कलाम सुनाने की इजाजत। कलाम सुनाने और सुनाए, अल्लाह का करम आप सुनाए। ओ भाई अपने शेर सुनाए। अच्छा मैं सुनाऊं? जी जी। खुद ही करो जो कर सको, महंगा है कसाई रे, वाह वाह, महंगा है कसाई रे, महंगा है कसाई रे, वैड़ से इस चक्कर में टक्कर भी खाई रे, महंगा है कसाई रे, इजाजत दे तो मैं इसको मार लूं। नहीं नहीं ये बहुत प्यारे हैं, ये दाद देते हैं। ऐसी दाद हमें नहीं चाहिए, हम मुशायरे से बर्खास्त। क्या मतलब? वो डर गया बेचारा, इतना सही था। चोरा बड़े मासूम होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, उसकी दाद से डर गया। मुल्क का बहुत बड़ा नाम, वाह, इस नाचीज को सराजू जर्दा कहते। एक मिनट एक मिनट, मुशायरा रहने दे, आ जाए दो दो चम्मच लगा ले। डरे डरे आप उन्हें क्यों कह रही है इस नाचीज को? ये खुद हमेशा कहते हैं कि मुझ ना चीज को सराजू जर्दा कहते। जी जी भाई, वो कह सकते हैं, आप तो ना कहीं इस ना चीज को। प्लीज तशरीफ लाइए। चला जावा जी। जी जी, क्या कहने, क्या कहने जी, मैं तो लग रहा सी मैं चदरा ही चुकड़ियां ने बाच। जी जी, ये अल्लाह खैर, सियाना तड़ा जर्दा ढोल जाना जनाब, इजाजत है जितनी देर आपको। अच्छा ये दर्द देर से पहुंचे, अभी कोई रहता था? दर्दा साहब जितनी देर तुम बैठे नहीं हो गई है, बच्चे बदाम बदूम तो चौक के लै गए। अता करें जी, अता करें। अच्छा अर्ज कीता
सब डिग पिया डाची तो बहुत डिगण दे जी जी सब डिग पिया डाची तो और डाची से गिर के दांत भी दे रहा है सब डिग पिया डाची तो अगला मिसरा सब डिग पिया डाची तो वाह वाह सब डिग पिया डाची तो ये पता कर लो डाची है के चाची है अगला फिक्रा बस सब डिग गया थे मैं दौड़ ला देती लेकिन इसमें एक काफिया नहीं मिला मैं उसे काफिया बना के डंग खा लूंगा बात तो ठीक है बात तो ठीक है जी अच्छा चले अगला शेर सुनाएं जी तुम तो न्योले को भी एक सांप समझते हो फराज दोस्त होता नहीं हर बीन बजाने वाला वाह दीवार क्या उठी तेरे ऊंचे मकान की दीवार क्या उठी तेरे ऊंचे मकान की वाह वाह तेरे ऊंचे मकान की वाह वाह दीवार क्या उठी तेरे ऊंचे मकान की सांपों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए वाह वाह हर शेर में सांप आ रहा है जी वाह वाह दादे सपा लेदा मुंडा है सब चढ़ गया टूटी इन्हें कोई कोई सांपों को खजल कर रहा है कभी डाची तो सुट रहा है टूटी ते चढ़ा रहा है सब चढ़ गया टूटी ते वाह वाह कभी वाह वाह मैं मुंह हाथ तो उन तो बैठ अर्ज कीता है जी जी मुशायरे विच सब बढ़िया लेकिन कोई बात नहीं देखे वजन अच्छा है मुशायरे विच सप बढ़िया जनाब अर्ज कर रहे हैं कि अर्ज कीता है जी कि मुशायरे विच सप बढ़िया भाई हमने ये मिसरा सुन लिया मिसरा सुनिया जनाब सप नहीं वेखिया मैं अर्ज कर रहा के मुशायरे विच सब बढ़िया नाज़रीन ये था आज का शो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़